वेलकम टू माई चैनल, दिस इज़ निहारिका। आई होप ऑल ऑफ़ यू डूइंग गुड। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ये वाला मेकअप लुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने लेंस को वेयर कर लूँगी। मैंने ओ लेंस के ग्रे कलर के लेंस लगाए हैं। नाउ हम करेंगे स्किन केयर। तो मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का फेस सीरम लगाया है, रोज़िप। काफ़ी अच्छा सीरम है गाइस। एंड उसके बाद मैं अपने लिप्स को जो है मॉइस्चराइज करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का लिप बाम। एंड विंटर्स की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई मेरे लिप्स हो रहे हैं। एंड उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। तो आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेला वीटा का मॉइस्चराइज़र लगाया है। सारे प्रोडक्ट्स के जो है डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ हम अपने फेस को प्राइम करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का प्राइमर। काफ़ी अच्छा प्राइमर है गाइस। तो जहाँ आपके ओपन पोर्स हैं वहाँ इसको आप अच्छे से लगाइए। एंड प्राइमर के बाद एक मिनट आपको वेट करना है, उसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे या जो भी आप कंसीलिंग करेंगे वो आप अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे कलर करेक्ट कर रही हूँ। एंड जो पीच कलर का करेक्टर है, ये नायका का पैलेट है, इसमें से पीच कलर मैंने लिया है। एंड इस तरह से मैं अपने जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे प्लेस कर दूँगी ब्रश से। एंड उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर दूँ। सो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को पहले अच्छे से गीला कर लिया था एंड एक्स्ट्रा वाटर को मैंने निकाल दिया था। एंड इस तरह से हम जो है ब्लेंड कर लेंगे। नाउ फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन जो है मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा वार्म करूँगी एंड उसके बाद डॉट डॉट करके पूरे फेस में अप्लाई कर दूँगी। एंड उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर दूँगी। डायरेक्ट फाउंडेशन जब आप लगाते हो तो ज़्यादा अच्छे से ये ब्लेंड नहीं होता, तो कोशिश करिए कि आप पहले इसको अपने पाम में लेकर हल्के से जो है वार्म कर दें एंड उसके बाद जो है इसको अप्लाई करें। तो काफ़ी अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है, काफ़ी ईजिली आपका फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है। नाउ आप देख सकते हो मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो चुका है। अब मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। स्विस ब्यूटी का कंसीलर है एंड मेरा शेड है इसमें सैंड। तो मैंने यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर पे लगाया है, आउटर कॉर्नर पे, एंड जो भी मेरे हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं कंसीलर को जो है ब्लेंड कर दूँगी। नाउ करेंगे हम क्रीम कॉन्टोरिंग। तो मैं यहाँ पे एन बाय वे की कॉन्ट्रोल स्टिक यूज़ करी हूँ। मैं अपनी जॉ लाइन को, अपने नोज़ को, फॉरहेड को, चीक्स को कॉन्टोर करूँगी। एंड इस तरह से हम ब्यूटी ब्लेंडर से लाइटली इसको ब्लेंड कर देंगे। कॉन्टोरिंग करने से आपके फेस को स्ट्रक्चर मिलता है, तो कॉन्टोरिंग आप ज़रूर करें क्योंकि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद फेस काफ़ी फ्लैट हो जाता है। नाउ मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे चीक टिंट। ये मैं आजकल बहुत कर रही हूँ अपने मेकअप लुक के साथ एंड काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट आता है। लाइटली मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, थोड़ा सा मैंने नोज़ पे भी ब्लेंड किया है। काफ़ी ब्लशी एंड प्यारा सा लुक आता है। नाउ मैंने यहाँ पे मार्स का सेटिंग पाउडर लिया है, बनाना पाउडर है ये बेसिकली। तो जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पर मैंने पाउडर एप्लीकेशन किया एंड जो प्रोडक्ट मेरे स्पंज पे रह गया था उसी से मैंने अपने पूरे फेस को सेट किया है। मैंने बहुत ज़्यादा पाउडर अप्लाई नहीं किया है। नाउ अब मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। मैं यहाँ पे मार्स की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्पूली ब्रश से अपने आईब्रो को जो है ब्रश किया एंड उसके बाद मैं फिल कर दूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे आईब्रो फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि काफ़ी डेंस आईब्रोज है मेरी। एंड उसके बाद स्पूली से इसको दोबारा हम सेट कर देंगे। थोड़ा सा कंसीलर हम लगाएंगे जिससे हमारी आईब्रो को शार्प लुक मिलेगा एंड ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का मस्कारा लिया है एंड इस तरह से अपनी आईब्रो को हम सेट कर देंगे। ये ट्रांसपेरेंट मस्कारा है। नाउ हम बढ़ते हैं अपने आई शेडो की तरफ। तो मैंने यहाँ पे नॉटी पैलेट लिया है सेफर का एंड ये ब्राउन शेड लेकर मैं अपनी क्रीज के ऊपर ब्लेंड करूँगी। तो इस तरह से कलर को प्लेस करना है एंड सर्कुलर मोशन में कलर को ब्लेंड करते जाना है। एंड कलर को आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है लेके जा रही हूँ। तो इस तरह से आपको कलर को ब्लेंड करना है। नाउ सेम पैलेट से मैं जो है एक डार्क ब्राउन कलर लूँगी एंड अपने आउटर वी पे इसको प्लेस करूँगी एंड अंदर की तरफ ले जाते हुए इसको ब्लेंड करूँगी। ब्रश का मैक्सिमम कलर जो है आपको आउटर वी पे प्लेस करना है एंड उसके बाद जो है कलर को अंदर की तरफ लेके जाके ब्लेंड करना है। नाउ मैं पैलेट में से लाइट ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ एंड सारी लाइंस को जो है मैं एक साथ ब्लेंड कर दूँगी जिससे कोई भी हार्श लाइन दिखाई ना दे एंड हमारा जो आई शेडो लुक है वो ब्लेंडेड दिखाई दे।
नाउ सेम पैलेट में से मैं एक ब्राउन कलर ले रही हूँ एंड अपनी सेंटर ऑफ लिड पे प्लेस कर दूंगी, क्योंकि मैं ये मैट आई शेडो लुक कर रही हूँ, तो मैंने कोई भी मेटालिक कलर या ग्लिटर वगैरह अप्लाई नहीं किया है, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। एंड सेम कलर्स जो है मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड करूंगी एंड उसके बाद मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये सिस वीटी का पेन आई लाइनर है गाइज, बहुत अच्छा लाइनर है, तो लाइनर आप अपनी पसंद से ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे विंग लाइनर ड्रॉ किया है एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ लॉरियल का मस्कारा, तो मस्कारा जो है काफ़ी अच्छे से लगाइए एंड बाद में मैं फॉल्सीज भी लगाऊंगी, बट मस्कारा जो है लगाने से लुक काफ़ी अच्छा आता है। सो दो या तीन कोट आप मस्कारा की अप्लाई करो। नाउ ये स्विस ब्यूटी का ही पैलेट है जिसमें से मैंने कॉन्टोरिंग शेड लिया है अपने जॉ लाइन को, चीक्स को, फोरहेड को, नोज़ को जो है हम पाउडर कॉन्टोर करेंगे एंड उसके बाद मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। मैंने दो कलर्स जो है अप्लाई किए हैं, पीच एंड पिंक, दोनों को मिक्स करके मैंने यहाँ पे ब्लश अप्लाई किया है। नाउ लगाएंगे हम हाइलाइटर। मैं आज हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट से ये सेंटोरोनी हाइलाइटर लगा रही हूँ, काफ़ी प्यारा हाइलाइटर है, तो मैं इस तरह से अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी, अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी एंड फेस पे जो भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं हमारे उन सब में अच्छे से हाइलाइटर लगाऊँगी। तो ये हाइलाइटर गाइस काफ़ी नेचुरल फिनिश देता है। मैं बहुत ज़्यादा हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैंने सोचा इस ब्यूटी लुक में मैं हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ करूँगी। गाइस बहुत अच्छा हाइलाइटर है, तो इस तरह से मैंने अपनी नोज़ को भी हाइलाइट किया है, क्यूपिड बो को, तो हाइलाइटर काफ़ी अच्छे से लगाइए एंड उसके बाद मैं यहाँ पे वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप ब्लैक लगाना चाहते हैं तो ब्लैक भी लगा सकते हैं, कलर्ड भी लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा लगाया है। नाउ मैंने स्मैश बॉस के मेकअप फिक्सर से मेकअप को सेट कर दिया है। नाउ मैं यहाँ पे फॉल्सीज अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की, ये पॉश जो है आई लैश है, काफ़ी अच्छी नेचुरल आई लैशेज हैं स्विस ब्यूटी की एंड मस्कारा से जो है मैं दोनों लैशेज मीन्स अपनी नेचुरल एंड फेक लैशेज को ब्लेंड कर दूंगी एंड लैश के वॉन्ड को जो है मैं लाइनर से हाइड कर दूंगी एंड उसके बाद मैं अपने बालों को कर्ल कर रही हूँ। इस कलर के ऊपर मेरे चैनल पे डिटेल रिव्यू है गाइज, ये बहुत ही मस्त कलर है, हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। प्लीज नाउ मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। मैं आज लगा रही हूँ शुगर की मैट क्रेयॉन लिपस्टिक। सो ये जो शेड है वो है स्कारलेट हो हारा, तो ये काफ़ी अच्छा रेड शेड है, आप अपनी पसंद का कोई भी न्यूड शेड भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा। और अगर वैलेंटाइन पे ये लुक आप क्रिएट करो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना। सो गाइज मीट यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे।